वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। लेकिन भाईजान, इतनी बुरी परफॉर्मेंस मैंने बार्सिलोना की, शायद शायद जब से मैं बार्सिलोना को फॉलो कर रहा हूँ ना, तब से मैंने नहीं देखी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस गेम का रिव्यू करूँ तो क्या करूँ और क्या पॉजिटिव बात करूँ बार्सिलोना के लिए, क्योंकि मैच तो हम जीत गए लेकिन कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खेले क्या। हराम बॉल, इसको हम कहते हैं कि ये हराम बॉल का भी हराम बॉल था जो हमने खेल दिया है। और क्लूलेस, हेडलेस चिकन की तरह भागते रहे हम थ्रू आउट द गेम, और कोई प्लेयर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि जो आपको लगे कि यार बड़ा कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। और आई फील रियली सॉरी फॉर रियल सोसाइडेड के वो लोग बेचारे, उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन वो 3 पॉइंट नहीं लेके जा सके, और या 1 पॉइंट भी अगर वो लेके चले जाते ना तो वो डिज़र्व करते थे। हम लोग बिल्कुल भी पॉइंट डिज़र्व नहीं करते थे इस गेम में, जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन फिर वही बात है कि यार मैड्रिड के अगेंस्ट हम लोग अच्छा खेल रहे थे और हम लोग वहाँ पर डिज़र्व नहीं करते थे हारना। शायद उसकी कंपनसेशन जो है ना वो ऊपर वाले ने हमें यहाँ पर दे दी है, तो ये चीज़ है। लेकिन भाई अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया और 3 पॉइंट जो है वो हमें मिल गए। अब अगर मैं रिव्यू करता हूँ गेम का, तो आपके सामने टीम है और टीम बड़ी सॉलिड टीम स्टार्ट हम लोगों ने किया, बड़ी अच्छी टीम खेली थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद हम लोग गेम खेल रहे थे और एक हफ्ते के बाद भी लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा फटीग में हैं और थके हुए नज़र आ रहे थे, बिल्कुल भी वो फ्रेश नज़र नहीं आ रहे थे। और कम्बिनेशन हमें कहीं पर बनता हुआ नज़र नहीं आया। जिस तरह हम लोग शॉर्ट क्विक पासिस खेलते हैं, हम लोग शॉट को एक पासिस उस वक्त खेलते हैं जब हम लोग पास पास होकर खेलते, थोड़ा कॉम्पैक्ट होकर खेलते, हम लोगों ने ऐसा खेला ही नहीं। और क्रेडिट गोज टू ऑपोजिशन, उन लोगों ने बहुत अच्छी गेम खेली। मैंने कल रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि वो लोग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं और पेशेंस के साथ पोजेशन जो है वो रखते हैं, और उन्होंने उसी तरह से किया। बहुत अच्छी पासिस थी उनके, बहुत अच्छे पासिस उन्होंने दिए। चांस क्रिएशन उन्होंने बहुत अच्छी की थी, पहले हाफ में तो बहुत ज़्यादा अच्छी की थी, और उन लोगों ने फाइनल थर्ड में आकर जो है वो जो फाइनल पास होता है वो नहीं बना पाए, वो फाइनल पास एक अच्छा पास नहीं दे पाए जहाँ, जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाए। टेर स्टेगन ने आपको फिर से बचा लिया। और डिफेंस की अगर बात की जाए तो डिफेंस इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, अब मैंने देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर वो तारीफें कर रहे हैं जी वॉल है और पता नहीं क्या सॉलिड डिफेंडिंग कर दी हमने। लेकिन भाई टेर स्टेगन के अलावा हम लोगों ने देखा जाए तो कोई ख़ास डिफेंडिंग भी नहीं की थी। उन लोगों के पासेस जो है वो फाइनल पासेस जो है वो लग नहीं रहे थे, कोई हेडर के ऊपर बॉल डायरेक्ट नहीं गया, या वो जो उनकी क्रॉसेस थी वो बिल्कुल पाँव पर नहीं गई जिसकी वजह से वो गोल नहीं कर पाए। अदरवाइज वो हमें 2-3 गोल तो पहले हाफ में, पहले 25-30 मिनट में कर चुके होते ऑनेस्ट अगर बात की जाए तो। तो हम लोगों ने अगर डिफेंड बहुत अच्छा किया तो मुझे नहीं लगता कि हमने डिफेंस अच्छा किया। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको क्रेडिट इस चीज़ का जाता है, मैं पूरी जो रिव्यू है मेरे ख्याल से उनके ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इतना खास किया नहीं इस मैच में। उन लोगों ने हमें प्रेस किया और जब वो प्रेस किया तो हमारे पास उस प्रेस का कोई जवाब नहीं, और थ्रू आउट दी 90 मिनट्स वो हमें प्रेस करते रहे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई टीम आपको 90 मिनट्स तक प्रेस करे, और उसमें वो ज़ाहिर बात है फटीग भी आती है, थकते भी हो आप, सब कुछ करते हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब जब हम प्रेस कर रहे हैं तो टेर स्टेगन को शॉर्ट बॉल शॉर्ट पासिस खेलने का मौका नहीं मिल रहा, उसको लॉन्ग रेंज पासिस खेलनी पड़ रही थी, और वहाँ पर हम लोग फंस रहे थे। वहाँ पे फंसते क्या थे, तो बॉल रुकता था और हमारे पास हम आउट नंबर थे वहाँ पर, हम हमारे के लिए एडवांटेज हम कहीं पर भी नहीं बना पा रहे थे। हम लोगों के पास बॉल रुकता था और वहीं पर हम लोग बॉल जो है वो लूज़ कर जाते थे, कोई तो गलत पास दे देते थे, और जब कभी हम शॉर्ट पासिस से गेम स्टार्ट करते भी थे तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि डिफेंस के साथ मिडफील्ड की कनेक्टिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, हम बहुत दूर दूर होकर खेल रहे थे। जब थोड़ा सा लॉन्ग पास जाता था तो वहाँ पर बॉल टूट जाता था, और उन्होंने भी हमें प्रेस इतना अच्छा किया था कि हमारे पास उनकी प्रेसिंग का कोई जवाब नहीं था। अगर आपको प्रेस तोड़ना होता है तो तब आपको शॉर्ट पासिस खेलने होते हैं, आपको थोड़ा करीब आकर खेलना होता है अपने प्लेयर्स के साथ, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। और डिसीजन मेकिंग हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग थी कि बहुत सारे पासेस तो हमारे बीच में ही टूट के जा रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जो है वो दी है, और
अब मतलब मैं ये देख रहा था कि शायद कोई स्कूल की टीम जो है वो फुटबॉल खेल रही है, बार्सिलोना तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। दूर दूर से लॉन्ग शॉट्स हम ले रहे थे, कोई ऐसा चांस हमने थ्रू आउट द गेम नहीं बनाया। आखिरी 5 मिनट हमने थोड़ा सा बेहतर खेला और वहीं पर हमने गोल भी निकाल लिया। उसके अलावा हमने थ्रू आउट द गेम कुछ भी नहीं किया। मेंटेलिटी प्लेयर्स की बहुत गिरी हुई नजर आ रही थी, शोल्डर्स गिरे हुए नजर आ रहे थे और मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसके अलावा हम लोग फ्रेंकी डियोंग को बिल्कुल जो है वो मिस कर रहे हैं। भाई फ्रेंकी का ना होना जो है वो बार्सिलोना को बहुत बड़ा जो है वो हम लोग जो है ना हर वीक सफर कर रहे हैं उस बंदे की वजह से, क्योंकि हम लोग गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बार्सा ने क्या किया, बार्सा ने गुंडोगन को काफी डीप खिलाया था, क्योंकि आज रोमियो नहीं खेले। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बार्सिलोना ने थोड़ी सी गलती की थी कि रोमियो जो है ना, हम एक प्रॉपर अगर हम स्टेडियम खिला लेते तो उससे ये फायदा होता कि थोड़ी सी जो है ना थोड़ा सा फायदा गुंडोगन को हो जाता, कि गुंडोगन थोड़ा ऑफेंसिव खेलते, थोड़ा आगे जो है वो अटैक को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करते और वहां पर पासिस निकालते। गुंडोगन ने इतना डीप खेला पूरा मैच, ऑलमोस्ट 70-75 मिनट्स वो इतना डीप खेले थे कि आगे क्रिएटिविटी बन ही नहीं पा रही थी। अब जब हमने चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद हम लोग ने लेवनडोस्की को भी बुला लिया, हमने फेलिक्स को भी बुला लिया, रफीनिया अंदर चले गए, फेरान टोरेस अंदर चले गए, पेड्री चले गए। अब वही बात है कि पेड्री जब आए तो यार एक बंदा 2-2.5 महीने के बाद आया और उसने आते ही गेम में इम्पैक्ट डाल दिया, उसने जान डाल दी थी गेम में। वो एक बंदा जो है वो नजर आ रहा है कि यार वो जान भी मार रहा है, उसके पासिस पिन पॉइंट पासिस थे, ऑन स्पॉट पासिस थे, लेकिन हम लोगों की ऑफ द बॉल मूवमेंट इतनी खराब थी इस मैच में कि मैं मतलब क्या बताऊँ आपको। तो जिसकी वजह से पेड्री भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्या पासिस, वो कहाँ से पासिस निकाल कर देगा। फिर दूसरी बात है, मैं रफीनिया रफीनिया मैं कह कह के थक चुका हूँ कि रफीनिया जो है ना वो बार्सिलोना के कैलिबर का प्लेयर नहीं है। भाई रफीनिया क्लूलेस है, कुछ पता नहीं है, ना उसकी क्रिएटिविटी है, ना वो कुछ कुछ बना कर देता है। भाई वो क्या क्या खेल रहा था मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद आप फेरान टोरेस को लेकर आए, फेरान टोरेस मतलब ये कि वो भी एक आधा गोल कर देगा किसी मैच में और हम कहेंगे जी फेरान टोरेस फेरान टोरेस, लेकिन यार हम बार्सिलोना है ये हमें समझना पड़ेगा। और बार्सिलोना जो है ना वो ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स वर्ल्ड क्लास विंगर्स देखे हुए हैं, यहाँ पर इस तरह के मीडियोकर प्लेयर्स की कोई जगह नहीं बनती। और इसका जो है ना मैं आपको बताऊं कि इसका ब्लेम जावी को जाता है, क्योंकि जावी ने जो है ना इसको 54-55 मिलियन में खरीदा था। वहाँ पर एक 87th-88th मिनट में जहाँ पर गेम आपकी ख़राब हो चुकी थी, आप लोग ऑलरेडी 4 पॉइंट पीछे थे और ये गेम अगर आप ड्रॉ भी कर जाते तो आप 6 पॉइंट पीछे होते और ला लीगा आपकी ख़त्म हो चुकी होती। वहाँ पर एक मौका मिला था फेरान टोरेस को कि जहाँ पर वो लामिन जमाल को 88th मिनट पर पास दे सकता था और वो पास भी लेफ्ट फुट के ऊपर मिलता और लामिन जमाल उसको फिनिश करके हम 3 पॉइंट वहाँ पर भी जीत सकते थे, लेकिन फेरान टोरेस भाई साहब ने छक्का मार दिया था वहाँ पर। मतलब मुझे इतना गुस्सा है इस गेम पे और कुछ प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो ये सारी सिचुएशन है, वो तो लकीली गुंडोगन ने इतना प्यारा पास दिया और जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे भी लगा कि यार ऑफसाइड है और मैंने उसे बोला और रेफरी ने जो है वो फ्लैग खड़ा कर दिया था। लेकिन जब मैं देख रहा था, जब वार के ऊपर चेक हो रहा था, रिव्यू हो रहा था, तो फिर जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ कि यार ये तो गोल भी हो सकता है, क्योंकि मुझे जो है ना ट्रस्ट नहीं था। और वहाँ पर जब गोल हुआ तो मतलब आई रियली सेलिब्रेटेड। लेकिन फिर वही बात है कि यार हम लोग इस तरह की फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम लोगों ने क्लासिको बहुत अच्छा खेला था और यहाँ पर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम हम खेल रहे थे और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है हमारी। फेलिक्स हमें जो शॉर्ट पैचेस में नज़र आया, मैं समझता हूँ कि हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेवनडोस्की को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक बॉल ही नहीं पहुँच पा रहा था जब तक वो खेलते नहीं है। कोई ऐसा चांस हम लोगों ने क्रिएट करके ही नहीं दिया उनको कि हम उनको ब्लेम कर सकें। कैंसलो बिल्कुल भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बल्दे लाइन पे अच्छा खेलते हैं, वही फाइनल थर्ड का मसला है, वही पासेस नहीं निकाल पाते। उसके बाद आप अगर टेरेस सेगन की बात करें तो टेरेस सेगन ने हमें मैच बचाया। तो कुंदे ने पहले पहले 2-3 मिनट के अंदर एक पीछे गलत पास दे दिया था और उसके बाद वो हम लकीली हम लोग उन लोगों ने गोल कंसीड नहीं किया। उसके अलावा कुंदे जो है ना बस मतलब ये कि बाकी उसके अलावा तो बाकी या तो हम डिफेंस को उस वक्त प्रेस करें कि दूसरी टीम चांसेस ही ना क्रिएट कर पा रही हो, लेकिन उन्होंने चांसेस क्रिएट किए और उसको वो फाइनल पास में कन्वर्ट नहीं कर पाए और फाइनल गोल वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से जो है हम बच गए। मैं नहीं समझता कि हमारी डिफेंसिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मिडफील्ड हमारी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वही बात है कि हमें स्टेडियम चाहिए, हमें हर सूरत में स्टेडियम चाहिए। हमने इस मैच में स्टेडियम को बहुत ज़्यादा मिस किया और हमने
गुंडोगन को, मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, वो अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, लेकिन फिर बात ये कि वो इतना डीप खेलेंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। अब पैड्री आ गए हैं, ये अच्छी एक न्यूज़ है हमें, पैड्री के आने से काफ़ी ज़्यादा गेम में चेंज आया था। और उसके बाद फिर कैंसिलो हमें पूरे मैच में कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि आपका पूरा अटैक जो है थ्रू आउट द गेम वो लेफ्ट से चल रहा था, राइट साइड आपकी पूरी की पूरी जो है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पैरालाइज हुई पड़ी थी वो। तो ये सारी सिचुएशन है, इसके अलावा मैं क्या बात करूँ गेम के बारे में। आज जावी को बहुत काम करना पड़ेगा, या तो जावी का प्रॉब्लम है या प्लेयर्स एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। किसी दिन हम बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं, किसी दिन हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। लकी थे हम कि हम लोग अभी भी ला लीगा के रेस में हैं, एक पॉइंट हम मेडिट से पीछे हैं, मेडिट के पास ऑब्वियसली वो अपना गेम आज खेलेगी, और जिरोना जिसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त ला लीगा के टॉप पर बैठी हुई है। एटलेटिको मेडिट भी जो है वो बनी पड़ी है इस ला लीगा टाइटल रेस में। तो ये टाइटल रेस आसान नहीं है, और अभी पहला हाफ ऑफ द सीजन जो है हम लोगों ने सारी बड़ी गेम्स होम पर खेली हैं, सेकेंड हाफ बहुत मुश्किल होने जा रहा है। सेकेंड हाफ में हमने सारी गेम्स अवे खेली हैं, और अब तो हमारे पास एक्सक्यूजेस भी नहीं है, हमारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, और प्लेयर्स वापस ना भी हैं लेकिन जो बारसा की आइडेंटिटी है, अगर हम उस पर ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बाकी गेम्स पर भी बात करनी थी, आर्सेनल की, प्रीमियर लीग की, दूसरी गेम्स पर, लेकिन अब बार्सिलोना ने इतना टाइम ले लिया, 12 मिनट की वीडियो हो चली है अब, और मैं क्या इसके ऊपर रिव्यू करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि नैरो गेम होगी, 2-1 से बार्सा जीतेगी, बार्सा 1-0 से मैच जीत गई है। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है ये, बहुत अच्छी बात है। अब ये कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, अब चैम्पियंस लीग का गेम है, हमें देखना होगा कि हम चैम्पियंस लीग में किस तरह से खेलेंगे, और बार्सा को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना ला लीगा में अगर हम इसी तरह के पॉइंट्स लूज करते गए तो ला लीगा टाइटल जो है वो हमारे हाथ से हाफ सीजन के ऊपर ही निकल जाएगा। तो ये थे मेरा रिव्यू, ये थी मेरी वीडियो। आप भी अपने कमेंट्स मुझे बताइए कि आपको गेम कैसी लगी थी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।